नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। घटना को 3-4 दिन हो चुके हैं, पर फिर भी मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मेरी आत्मा मुझे झिझोड़ रही थी। मुझे लगा कि बिना कहे तो मैं नहीं रुक पाऊंगी और अपने दिल का हाल आपको बयां करके ही मैं दम लूंगी। तो दोस्तों, हुआ ये है कि फैज़ाबाद जिसको कहा जाता था, वैसे तो अयोध्या नाम है, पहले भी अयोध्या था, लेकिन फैज़ाबाद जो घुसपैठिए थे जब आए थे हमारे देश में, तो उन्होंने हमारे लोगों को मार मूर के अपनी सत्ता स्थापित करके ये इसका नाम फैज़ाबाद रख दिया था, जो कि हमने वापस अब अपने पूर्वजों के नाम पे वापस रख दिया अयोध्या, जो अयोध्या थी हमारी आज भी है। तो अयोध्या को तो आप जानते ही हैं, जय श्री राम के नारे लगते हैं हमारे अयोध्या में, उत्तर प्रदेश में है, पावन नगरी है, जिसको घुसपैठियों ने, आतंकियों ने, आक्रांताओं ने शत विशित कर दिया था, लोगों को मार मूर के वहाँ पर, और हमारे श्री राम मंदिर को हत्या लिया था, और श्री राम मंदिर को हत्या के उसकी भूमि को हत्या कर उसमें अपवित्र पैर रखकर गौ मांस खाने वालों ने अपने गंदे मस्जिद को वहाँ पर बना दिया था। और फिर बड़ी मुश्किल के बाद हम सीधे साधे लोगों ने अब इसके लिए न्यायालय में दरख्वास्त की, कितने वर्षों तक मुकदमा लड़ा, कितनी जाने गई, कितने प्राण गए इसके चक्कर में, और ना जाने कितने संघर्ष के बाद हमने यह अयोध्या में अपना राम मंदिर, श्री राम मंदिर जन्मभूमि पे अधिकार पाया, और अब श्री प्रभु राम का मंदिर वहाँ निर्माण होने जा रहा है। ये तो आप सब जानते हैं, ठीक है ना। अब मैं आती हूँ असल मुद्दे पर। एक खबर आ रही है कि देखिए वहाँ पर से जो है हाफिज़ अज़मुद्दीन पंचायत का चुनाव जीत गए हैं, और एक लौते मुसलमान हैं जो वहाँ से जीते हैं, और इस एक तो जब एक और जहाँ लोगों की लड़ाई झड़ाई की खबरें आ रही थी, वहाँ हिंदू मुस्लिम भाईचारा देखने को मिला। अब आपको मैं बताती हूँ कि हुआ क्या है। ये हिंदू बहुमूल्य इलाका है, हिंदू बाहुल्य इलाका है, इस इलाके में ये आदमी किराए पे रहता था, जितना मुझे खबर आ रही है, अपना घर है या किराए पे रहता था, ये एक ही फैमिली थी, और इस फैमिली के जो लोग थे वो सोच भी नहीं सकते थे कि वो अगर पर्चा भरेंगे तो जीत जाएंगे, क्योंकि उनको यकीन नहीं था कि वो जीतेंगे। अब तो क्या हुआ कि जो हाफिज़ अज़मुद्दीन है वो एक मदरसे में आलिम रहा है, यानी कि मदरसे का टीचर रहा है, 10-15 साल मदरसे का टीचर रहा है। अब ये सोचिए, जो आदमी मदरसे का 10-15 साल टीचर रहा है, उसकी थिंकिंग असली में क्या होगी। जो अलिप ते पे ते पढ़ाते हैं मस्जिद में, सॉरी मदरसे में, वो क्या पढ़ाते हैं? कुरान पढ़ाते हैं, कुरान कहानी करवाते हैं, उनको इस्लाम के बारे में बताते हैं, दीन के बारे में बताते हैं। तो दीन के बारे में बताते हैं तो कहते हैं ना कि अल्लाह तेरे अलावा और कोई नहीं, तेरे सिवा कोई नहीं, ये बताया जाता है, कुछ और तो नया बताया नहीं जाएगा। और जो मूर्ति पूजक हैं वो ख़राब हैं, उनका उनको उनको सजाए मौत मिलनी चाहिए, ये तो ज़रूर पढ़ाते हैं। तो ये मानसिकता का आदमी चाहे आज कितना नाटक कर ले, ये कहता है कि मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है कि मैं यहाँ से जीत गया हूँ, ये चुनाव जीत गया वहाँ पर, इसको 27 वोट, जो मुस्लिम वहाँ पर 27 मुस्लिम थे इसके परिवार के, उन्होंने इसी को वोट दिया है, 27 वोट इसी को मिले हैं, बाकी जो इसको वोट मिले 200 वोट टोटल मिले हैं, उसमें से 27 वोट जो वहाँ 27 मुसलमान थे उन्होंने इसी को दिए, और बाकी के जो वोट मिले हैं वो हिंदुओं के मिले हैं, और हिंदू बड़ा खुश हैं। और आज जो हिंदू खुश हैं, मैं उनको बताना चाहती हूँ, ऐसे बहुत बार हिंदू भाईचारे के चक्कर में जिता के खुश हुए हैं, और किसी हिंदू को इसलिए नहीं जिताते कि इस साले ने तो मुझसे ऐसा कहा था, ये बन जाएगा तो ऐसा बनेगा, ये तो ऐसा हो जाएगा। अब सुनो, तुमने जूते खाने के जो काम करे हैं ना, आज ये इंसान जो है, इसके 27 लोग इसके परिवार में हैं, कल को यही 27 के 9-9 लगा लो प्रति व्यक्ति के, ठीक है, ये हो जाएंगे वहाँ पर। और यहाँ की जो टोटल वोट थे वो 800 वोट थे टोटल इस गांव के, जो क्या नाम है, रजतपुर गांव है, क्या नाम है ये, रजतपुर रजनपुर गांव है ये,
इसमें 800 वोट थे टोटल और जीतने के लिए इसको 200 चाहिए थे, तो इसका मतलब हिंदुओं के बाकी वोट बटे हुए थे। मुसलमानों ने 27 के 27 वोट अपने परिवार के व्यक्ति को दिए, जिसको यकीन भी नहीं था अगर हिंदू इसको वोट नहीं देते तो केवल इसको 27 वोट आते। आज ये चुनाव जीता है, कल को ये वहाँ पर कुछ खोलेगा, जो इसको एड मिलेगी वहाँ पर कुछ मस्जिद वस्जिद खोल देगा। और ये कह रहा है कि जितने मंदिर में लोग जाते हैं उन्होंने मेरे लिए पूजा करी थी, मेरे चुनाव के रिजल्ट आने के बाद ही खाना खाया है। इस कितनी मोहब्बत है इसको लोगों को, कल को यही लोगों की लड़कियां इनके साथ भाग जाएंगी या किसी का बलात्कार हो जाएगा तो यही आदमी उसको छुपाने का काम करेगा या खुद ही करेगा। तो इसीलिए दोस्तों हिंदुओं का पतन ऐसे नहीं हुआ है, हिंदुओं का पतन इन दो हाथों से खुद का हुआ है कि एक आदमी तो दूसरे का गला दबाता है ना, जिहादी दूसरे का गला दबाता है या अल्लाह अकबर करके दूसरे का गला दबाता है, लेकिन हिंदू जो है ऐसे खुद का गला दबाते हैं। हिंदुओं को मरने के लिए ज़्यादा मशक्कत करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने दुश्मन खुद ही हैं। हिंदूज़ आर एनिमीज़ ऑफ देयर ओन, दे मेक प्लान्स ऑफ देयर ओन डेथ। वो अपने डेथ की कॉन्स्पिरेसी एंड प्लानिंग खुद करते हैं। तो ये जो प्लानिंग आपने करी है आगे वाले आने वाले वक्त पे, अगर आप कोई लव जिहाद का, कोई दंगे का, कोई वहाँ पर घर बेचने का कार्यक्रम होगा ना कि घर बिकाऊ है, तो ये यही हिंदू जो हैं वहाँ पर भाईचारे की मिसाल देने वाले, उसे खीर खिलाने वाले यही ज़िम्मेदार होंगे। अब मैं क्या कहूँ, मैं तो ये भी नहीं कह सकती इनको जूते मारो क्योंकि हैं तो अपने ही लोग। इस प्रकार की गलती आप कैसे कर देते हैं? आपको 10 बार कहा है मुँह मुँह का बच्चा कभी ना सच्चा, और जो सच्चा वो हिंदू का हराम का बच्चा है। अब आप खुद समझ जाइए, ठीक है? आपने खूब अच्छा कर दिया है, इसको जिता दिया है, लेकिन उनकी ईमानदारी देखो, 27 के 27 वोट थे, उनको पता था कि वो नहीं जीतेंगे, लेकिन एक हाफिज़ अजमुद्दीन को 27 के 27 वोट उसके परिवार ने दिए, किसी हिंदू को नहीं दिया उन्होंने। जो इतना भाईचारे की बात कर रहे हैं, कभी इसको भी सोच लेते कि 27 मुसलमानों ने, केवल 27 मुसलमानों ने एक अपने मुसलमान को वोट दिया, बाकी की जितने वोट मिले हैं 143 या कितने, वो वोट हिंदुओं ने दिए हैं। अब आप सोचिए कि हिंदुओं में कितनी एकता है। हिंदू चिढ़ गए होंगे, अरे बाजू वाले रामलाल को मत देना, वो शर्मा को मत देना, वो पंडित है साला, वो ठाकुर है साला, उसको मत देना, अरे वो निचली जाति का है, अरे वो बड़ी जाति का, ऐसे करके, या फिर अरे वो ऐसा मेरे से बात करा था। अरे भैया जो पर्सनल पर्सनल, जैसे मान लीजिए आपसे मैं नाराज़ हूँ, लेकिन मेरी नाराज़गी पर्सनल नाराज़गी अलग चीज़ है, लेकिन अगर आप मेरे घर के आगे कुछ परेशानी में हैं तो मैं आपकी सहायता ज़रूर करूँगी, क्योंकि आप मेरे समुदाय के भाई हैं या मेरे समुदाय के व्यक्ति हैं, मेरे घर के हैं। प्रत्येक मैंने इन्हीं से सीखा है कि इनका एक मुस्लिम ये अपने घर का बता देते हैं, तो हमें भी वो सीखना चाहिए ना। इन पर्सनल लड़ाई को अलग रखिए, वो जब आदमी जीवित रहेगा तभी तो लड़ाई करेंगे, अगर आप जीवित ही नहीं है तो मैं आपसे कैसे गुस्सा करूँगी? तो आपको, आपसे गुस्सा करने के लिए मुझे आपको जीवित रखना ज़रूरी है ना, तो वो चीज़ मैं कह रही हूँ। तो जब चुनाव वुनाव होते हैं, जब कोई सीरियस इश्यू होता है भाइयों और मेरे दोस्तों, मेरे बड़े मेरे छोटों, जब कोई सीरियस इश्यू होता है, देश का मुद्दा होता है, आगे के भविष्य को निर्धारित करने वाला मुद्दा होता है, उस वक्त सारे लालच त्याग के अपने समुदाय की मदद क्या करो और प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़े रहा करो। चाहे तुम्हें कोई चाटुकार कहे, चाहे चमचा कहे, चाहे कोई तुम्हें भक्त कहे, भक्त होना अच्छी बात है, चमचा होना नहीं। कम से कम अपने देश का तो नागरिक है, किसी विदेशी अम्मा से तो पैदा नहीं हुआ है, उसके दादा जान की कोई कब्र तो है नहीं। अब क्या कहूँ आपको, बता दिया मैंने, लेकिन बड़ा बुरा लगा। ये हाफिज़ वो आलिम है, आलिम का मतलब तालीम देने वाला, और मतलब टीचर तालीम देता, शिक्षा देता है। वो क्या शिक्षा देता मदरसे में 10 साल? चलिए अब वो फंड उठाएगा, मज़े करेगा, औरों को बुलाएगा और आपकी कटवाएगा किसी दिन गांव में, बगल वाले गांव से बुला लेगा, अल्लाह अकबर करके आपको कटवाएगा, मरवाएगा। अब आप देख लीजिए अपना। इसी संदेश के साथ जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिए, जय श्री राम, प्रभु राम ही आपकी रक्षा करें, क्योंकि आपने हाथों में पता नहीं क्या पहन लिया है। चलाना भी सीखिए।
और कम से कम हिंदुओं के पास तो गुलाल भी नहीं होगी, मैं क्या कहूँ।